देखो बच्चों, तो इंटीग्रेशन है फार्मूला बेस्ड है बिल्कुल। जैसे कि आप डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन। अब अगर समाकलन करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे आपने समाकलन किया एक्स टू द पावर एन, सिंबल इसका समाकलन का ये होता है, यहाँ dx लिखा, जैसे यहाँ पर dx लिखते हैं तो आप कहते हैं x के सापेक्ष समाकलन कर, अवकलन करने पर, यहाँ पर आप कहेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाता है, ये हो जाता है x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और प्लस c एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। अब एक उदाहरण के द्वारा समझो, जैसे कि आप डिफ्रेंशिएट करते हो x पावर थ्री तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। अब यदि हम थ्री एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो यही आ जाना चाहिए, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं थ्री एक्स स्क्वायर को डीएक्स, ये फार्मूला यूज करना है, थ्री कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स करोगे। अब देखिए ये फार्मूला अप्लाई करोगे इसमें क्या होता है, एक पावर यहाँ पर ऐड हो जाती तो एक पावर यहाँ पर ऐड कर दीजिए, थ्री हो जाएगी, और जो यहाँ पावर होती वही यहाँ आ जाता है अपान में ना, यहाँ भी थ्री आ जाएगा, थ्री थ्री कैंसिल होकर एक्स क्यूब आ गया। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन जो होता है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन परस्पर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो फार्मूला याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने अब यहाँ पर सी क्यों जोड़ा है ये भी जान लीजिए, सी कॉन्स्टेंट क्यों जोड़ा है, ये क्वेश्चन बनता है। जैसे आपने डिफरेंशिएट किया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो देखो कितना आएगा, या आप ऐसे कर लीजिए एक्स क्यूब प्लस फाइव, तो इसका कितना होगा थ्री एक्स स्क्वायर, और फाइव का जीरो हो गया, फाइव तो नहीं आया ना। तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये पूरा आना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन ये पूरा नहीं आएगा। देखिए थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स कर किया तो थ्री तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और नीचे भी थ्री हो जाएगा, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर केवल एक्स क्यूब आया और ये कांस्टेंट जो था वो नहीं आया, कांस्टेंट गायब हो गया। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएट करते समय वो वापस हमको नहीं मिलता है, देखा ना। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ देंगे कि यहाँ पर जो भी कांस्टेंट रहा होगा डिफरेंशिएट करते समय वो जीरो हो गया होगा, और जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट हमारा वापस नहीं आ रहा है, समझ रहे, इसलिए सी हम ऐड कर लेते हैं। अगर कोई पूछे समाकलन करते समय सी क्यों हर फंक्शन में ऐड करते हैं, तो कोई भी फंक्शन हो उसको जब डिफरेंशिएट किए होंगे तो उसमें जो कांस्टेंट होगा वो जीरो हो गया होगा, अब तो वो वापस नहीं आएगा ना, इस वजह से सी जोड़ा जाता है, सी जोड़ने का कारण है। अब यहाँ पर फार्मूला है सब कुछ डिफरेंशिएशन से अपोजिट, देखो याद करना आसान है। जैसे आप कहें साइन एक्स, तो अब देखिए साइन एक्स किसका जो है समाकलन, जो अवकलन होता था साइन एक्स, आप कॉस एक्स, जब कॉस एक्स का करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था ना, कॉस एक्स का आता था माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का करोगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ऐसे ही अब देखिए किसका डिफरेंशिएट करते थे तो कॉस एक्स आता था साइन एक्स का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, जस्ट अपोजिट है। सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता था टेन का, तो टेन एक्स आ जाएगा प्लस सी, सब में ऐड करते रहिए हर एक फंक्शन में। ऐसे ही टेन सेक और कॉसेक, सेक और टेन किसका होता था सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये सेक का होता था। तो जितने भी फार्मूले आपने पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए सारे फार्मूले बन जाएंगे। कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स कॉट एक्स ये किसका था माइनस, तो जब कॉसेक का करते थे तो इसमें माइनस आता था, अब इसका करेंगे तो उधर कॉसेक में माइनस आ जाएगा, कॉसेक एक्स हो गया प्लस सी हो गया। आपके बुक में कहीं एक जगह फार्मूले तो लिखे नहीं होंगे, तो इनको आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा अभी और बाकी, यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स क्यों ले लीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका होता था कॉट का होता था, तो यहाँ माइनस आता था आप उधर माइनस ले लेंगे माइनस कॉट, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गए सारे, कोई बचा एक दो तीन चार पाँच छह, ये सारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब आप यहाँ पर देखिए जब आप ये यूज करेंगे तो जैसे वन की पावर एक्स है
तो अब इसको आप यहां पर ऐसे नहीं करेंगे कि एक्स पावर वन डी एक्स कर लें और एक्स पावर एन लगा दें, क्यों? क्योंकि वन अपान एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या? लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का वन अपान एक्स होता था, तो वन अपान एक्स का लॉग एक्स। तो जब ये वन की पावर एन होगी, यहां पर हम लिख सकते हैं वेयर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये तभी फार्मूला यूज करोगे जब एन का मान माइनस वन ना हो, अगर माइनस वन हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? लॉग एक्स का लगेगा। अब ऐसे ही जब ई एक्स का आप इंटीग्रेट करते थे तो क्या आता था? डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में ई एक्स ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं सारे, जो जो ना पता हो, अगर पता है तो फिर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करवाएंगे थोड़े से, उसके बाद में एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। समाकलन, हाँ होता है अभी समाकलन देखेंगे, टेन का भी होता है, सेक का भी होता है, कॉसेक का भी होता है, वो दो एक दो एक्सरसाइज बढ़ने की बात करेंगे। टेन एक्स का होता है लॉग, लॉग सेक एक्स आता है उसका, इसका दूसरा होता है दोनों। हाँ वो डेरिवेटेड होते हैं, मतलब डायरेक्ट फार्मूला नहीं, उसको हम डेरिवेट करके निकालते हैं फार्मूले को, अभी बता देंगे उसका। टेन एक्स का भी ये नोट कर लीजिए, फिर टेन एक्स का भी बता देंगे। और भी फार्मूले हैं, जैसे देखो आपने साइन इनवर्स का क्या पढ़ा था, तो यदि ये लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यदि यहाँ पर माइनस हो जाए तो कॉस इनवर्स का हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स में उधर माइनस आता था, ठीक है? तो यहाँ पर अगर माइनस हो जाता है तो कॉस इनवर्स का आ जाएगा। अब आप ये टेन इनवर्स का ये करते थे डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स हो जाएगा, प्लस सी जोड़ेंगे सब में ये, ठीक है? ऐसे ही सेक और कॉसेक का, अब से कॉट टेन करना, यहाँ पर माइनस आ जाए तो कॉट इनवर्स का हो जाएगा, ठीक? अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ये किसका होता था? सेक, और यदि यहाँ माइनस लगा दे तो कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा, ठीक है? अब आप पूछ रहे थे टेन इनवर्स का क्या होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है लेकिन उसका आपको डेरिवेशन आना चाहिए, लिख लोगे ना आप लोग? ये तो जस्ट उसके अपोजिट है बस। अब देखो टैन का जो है वो आपको फार्मूला भी नहीं आना चाहिए, वो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टैन का इंटीग्रेशन होता क्या है, टैन एक्स डी एक्स। देखिए आपका कोई भी अवकलन में ऐसा फार्मूला नहीं था जिसको अवकलन करने पर टैन एक्स आता हो, नहीं था ना, तो डायरेक्ट फार्मूला आपको नहीं पता है, तो आप अपना मैथड यूज करोगे, जिसको हम चेंज कर लेंगे साइन एक्स अपान कॉस एक्स में डी एक्स, समझ पा रहे? नाउ कॉस एक्स इक्वल टू टी, इसको टी मान लेंगे, तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये माइनस को यहां से इधर ले सकते हैं, यहां पर अब देखिए जहां पर कॉस एक्स है यहां पर हम क्या रख दिए हैं टी, और जहां पर साइन एक्स डी एक्स है वहां क्या लिख देंगे? माइनस डी टी, माइनस डी टी। तो इसका वन अपान टी का अभी बता के वन अपान एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स, तो यहां पर टी है तो लॉग टी हो जाएगा, यहां पर लॉग टी प्लस सी। अब बस टी की वैल्यू आपको रख देना है, टी की वैल्यू क्या है? कॉस कॉस एक्स। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, अगर कॉस के फॉर्म में टेन का लिखना चाहते हैं डायरेक्ट टेन एक्स डी एक्स का तो ये लिखेंगे, अगर सेक के फॉर्म में लिखना है तो देखिए माइनस पावर अगर यहाँ लगा देती हो वन अपॉन कॉस हो जाएगा, और वन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? सेक लिख सकते हैं। तो आप ये दोनों फार्मूले यूज कर लीजिए, जहां पर जो आपको यूज करना हो यूज कर सकते हैं, सेक एक्स प्लस, समझ पा रहे? ये है फार्मूला आपका। ऐसे भी कॉट का भी हम फाइंड करेंगे, फार्मूला क्या होता है कॉट का भी देख लो एक साथ, सब नोट करना। अब आप फिलहाल फार्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, एग्जाम में ये करने को आ चुका है एक दो बार, तो आप जो है इसको करना भी आना चाहिए कि डेरिवेट कैसे हो रहा है। यहाँ आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? कॉस एक्स अपान साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर किसको मान लें? साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू टू, तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा? कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर जहां पर कॉस एक्स डी एक्स है हम डी टी लिख लेंगे, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी वन अपान टी। अब इसका लॉग टी हो जाएगा ना, आपका फार्मूला वन अपान एक्स वाला बहुत यूज होगा, वन अपान एक्स वाला ज्यादातर यूज होगा प्लस। अब यहाँ पर माइनस साइन तो नहीं आया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी का मान साइन प्लस। अरे जहां पर लॉग होता है ये लॉग के बाद ये मॉड क्यों लगाते हैं ये भी जान लीजिए, ये मॉड हम लोग लगाते नहीं है, सब जगह लगाना चाहिए। कारण क्या है कि यदि लॉग में यहाँ मॉड नहीं लगा है, मतलब चाहे ये माइनस का एक्स क्यों ना हो लेकिन ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा, मॉड का मतलब जानते हैं?
ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, पॉजिटिव ही लिया जाता है ना, तो ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा क्योंकि लॉग में अगर माइनस की वैल्यू है तो इसका मान इनफिनिट हो जाता है। अगर लॉग माइनस थ्री लिखा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इनफिनिट अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए। इसलिए जहां जहां लॉग होता है मॉड लगा हुआ पाओगे, कहीं नहीं भी लिखा होगा लेकिन नियमता वहां पर मॉड लगा होना चाहिए। तो इन दोनों का डेरिवेशन भी कर लीजिए, आप आना भी चाहिए आपको, फार्मूला क्या होता है इसका यूज आपको दो तीन सेशन के बाद होगा, फिलहाल अभी नहीं होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इनका डेरिवेशन आप। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। आप जैसे डिफरेंशिएशन में फार्मूला बनाने के लिए क्या करते थे कि किसी पार्ट को समय से आप x मान लेते थे कि x लिखा है, जैसे क्या करते थे कि साइन x को माना ये क्या लिखा है x, और आप साइन x का फार्मूला यूज कर देते थे। करना आपको यहाँ भी वही है कि आपको साइन x का फार्मूला यूज करना है, लेकिन इसको x हम काल्पनिक रूप से ऐसे नहीं एज्यूम कर ले फिर से उसको इंटीग्रेट कर दे, आपको यहाँ पर ऐसे करना होगा लेट 2x = t, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम तो t लिख देंगे साइन t, तो क्या dx की जगह dx ही लिखा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये फंक्शन हमारा किसमें आ गया है t में, और यदि हम यहाँ पर dx ही लिख देंगे तो हम इंटीग्रेट किसके सापेक्ष करेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x यहाँ पर लिखा है और फंक्शन हमारा किसमें t में, तो इसलिए हमको dx जो है इसको भी dt में कन्वर्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन की अपेक्षा, यहाँ क्या करेंगे जिसको हम t मानेंगे एज्यूम करेंगे उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हम dx का मान dt के फॉर्म में निकालेंगे। क्या करते हैं देखिए, इधर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। हम पहली बात इसको करते क्या है ये आप यहाँ पर विस्तार से जान लीजिए, फिर शॉर्ट ट्रिक वहां से अपनाओगे। हम करते क्या है इस पूरे को t के सापेक्ष अवकलन करते हैं दोनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ t के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, हम लिखेंगे d by dt x = d by dt t। हम एक में बता दे रहे हैं कि हम करते क्या है, ठीक है, फिर हम शॉर्ट में यहाँ पर बताएंगे क्या किया करो तुम लोग। हमें टी के साथ जो भी मानेंगे पूरी इंटीग्रेशन में चलेगा यही मेथड मानना पड़ेगा, और जो मानेंगे उसको टी के साथ क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो देखो इसको टी के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ गया 2dx/dt, और इधर इसका क्या हो जाएगा 1। अब जो भी हम फंक्शन जब भी मानेंगे तो इधर तो टी ही केवल होगा ना और कुछ नहीं होगा, तो जब इधर टी होगा तो टी का सदा 1 ही हो जाएगा ना। तो अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2dx = क्या जाएगा dt, ठीक है। यहाँ से हम dx बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा dt/2। तो हम यहाँ पे आप इस लाइन और इस लाइन को जरा ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया है, लेफ्ट साइड में x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके dx लिख दिया है, यही तो किया है। इसको मैंने x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया और क्या लिख दिया साथ में dx, और इसको मैंने t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया है तो 1 आ गया और क्या लिख दिया साथ में dt। तो बस इतना याद रखना है कि लेफ्ट साइड को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो आएगा पूरा डेरिवेटिव रखने के बाद क्या लिख दीजिए dx, और राइट साइड को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसके बाद क्या लिख दीजिए dt लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर अब यह पूरा नहीं लिखेंगे हम, फिर ये लिखेंगे 2, इसका डिफरेंशिएशन हो गया और हम लिख देंगे dx, इधर इसका क्या होगा 1 और हम क्या लिख देंगे dt। समझ गए, हमको निकालना dx बराबर फिर क्या आएगा, तो dx बराबर आ जाएगा dt/2। तो हमने ये जो माना है 2x = t, तो यहाँ पर t आ गया, और ये dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं अपान में जब 2 होता है इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ अगर एक बार लिखेंगे तो अगले स्टेप पे यहाँ होना पड़ेगा। अब आपका फार्मूला बन जाता है साइन t का क्या होता है माइनस cos t प्लस c, और लास्ट में हम t का मान यहाँ पर रख देते हैं, ये हमारा समाकलन हो जाता है। t की वैल्यू क्या है 2x प्लस c, यह आंसर हो गया। समझ में, तो इस प्रकार से जो इसमें क्वेश्चन होंगे बस अंतर क्या है ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक करेंगे आप कि फिर से उसको इंटीग्रेट कर दोगे जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, वो नहीं करना है। आप जिसको मानोगे उसकी जगह t रख देना है, उसमें क्या करते थे एज्यूम कर लेते थे रखते नहीं थे कोई भी वैल्यू, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट हमको dx की वैल्यू जरूर निकाल के यहाँ पर रखना, नहीं तो जब तक ये dt नहीं आएगा तब तक हम समाकलन किसके सापेक्ष कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसा ही देख लो किसी के साथ, कोई भी बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन ही देख लो। दूसरा क्वेश्चन है cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब तुम्हें फार्मूला बनाना है cos t, तुम क्या करेंगे 3x को t मानेंगे। ये बहुत कठिन नहीं है, जिसको कठिन लग रहा हो तो समझ लीजिए आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो
तो अब इसको हम टी मान लिया 3x को, तो क्या करेंगे इधर x के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे 3 आएगा dx लिख देंगे, इधर t के साथ में करेंगे तो 1 आएगा dt अब dx बराबर आ जाएगा dt / 3। ये आपका ये नहीं रफ वर्क नहीं है जिसको हम मिटा दें, ये फेयर वर्क है, ये डिफरेंस चाहे हाँ चाहे जितना करना पड़े, ये रफ वर्क नहीं है, पूरा फेयर वर्क है, ये लिखा रहेगा आपका यहाँ पर नीचे आप शुरू करेंगे ठीक है। ये लेफ्ट साइड में लिखेंगे, बीच में ही आप लेफ्ट राइट साइड में पेज के साइड में वहां पर लिख देंगे या थोड़ी सी इधर से जगह छोड़ करके तब आप लिख देंगे लेट दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हो गया कॉस टी और डीएक्स की जगह क्या हो गया अपॉन थ्री यहाँ पर लिख दिया। अब कॉस टी का क्या होता है साइन टी, साइन टी प्लस सी ए, आप अगर प्लस सी नहीं ऐड करेंगे तो नंबर कट सकते हैं ठीक है, जगह क्या लिख दें प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर ठीक है। तो ये दो समझ में आएंगे, अब जितने भी इसके फार्मूले हो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल यहाँ 4x5 कुछ भी लिखा हो सबका मेथड यही आपको टी मानना है बस क्या दिक्कत आएगा हाँ 1/3 आएगा यहाँ पर ये ठीक है। तो नोट कर लीजिए दो क्वेश्चन नोट कर लो फिर इस प्रकार के और क्वेश्चन बताए। देखिए यहाँ पर क्या है e की पावर 2x है तो यहाँ पर e की पावर x होना चाहिए ना, तो इसी को आप मान लेंगे 2x इक्वल टू t, इधर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2 आएगा मैंने dx लिख दिया, इधर 1 आएगा dt लिख दिया। एक्चुअली में हम वही कर रहे हैं कि t के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट में बता दिया आप ऐसे कर लो बस आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर t और जहाँ dx है वहां पर हो जाएगा dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। अब यहाँ पर e की पावर t है t के सापेक्ष करना, यहाँ पर हाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी जो कि मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ बार बार, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t या x के सापेक्ष समाकलन करने के सापेक्ष ठीक है t के सापेक्ष जहां पर भी आप समाकलन करने जा रहे हो ठीक है, उससे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं I R T E G R A T I N G integrating with respect to t, ये x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ये आप यहाँ पर एक लाइन जरूर लिखेंगे, पता नहीं आप किसके सापेक्ष करने जा रहे हैं वो तो लिखना पड़ेगा ना, तो 1/2 यहाँ अगर करते तो किसके सापेक्ष करते x के सापेक्ष करते वहां पर, तो e की पावर t का तो यही हो जाएगा e टू द पावर t प्लस c हो जाएगा। अब t की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे क्या 2x प्लस c, तो कर लेंगे ना इसको मिटा देने क्या नोट करेंगे जरूरत इसकी गलती ये सरल है। अब एक और बड़ा सा क्वेश्चन जो है देख लीजिए थोड़ा सा इससे, 4 नंबर में आपका जो फंक्शन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 हाँ ये है। अब देखिए इसमें भी अगर आप दो काम कर सकते हैं या फिर a प्लस बी का होल आप स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए ठीक है तब भी कर सकते हो, या फिर हम इस पूरे को x मान लें तो हमारा फार्मूला बन जाएगा ना एक्स बी टी मान लें तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो यहाँ पर तो आपने t रख दिया टी स्क्वायर हो गया। अब dx की जगह क्या रखोगे यहाँ से निकालो इसका करोगे अवकलन तो क्या आएगा a आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, b का करोगे तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन a ही तो आएगा ना, तो आप dx लिख दीजिए यहाँ पर और इधर क्या लिख देंगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन a, तो यहाँ पर आप dx की जगह क्या लिखोगे dt अपॉन a, कांस्टेंट यहाँ हम आगे लिख लेते हैं ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ठीक है, t के सापेक्ष समाकलन करने पर 1 अपॉन a t स्क्वायर अर्थात x पावर n फार्मूला लगाओगे तो क्या होता है यहाँ पर एक पावर ऐड हो जाती है ना और यही पावर बटे में आ जाएगी, x पावर n प्लस 1 होता है, t की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन a और 3 भी यहाँ आ गया तो 3 हो गया और t की वैल्यू क्या है ये a x प्लस b की पावर 3/3 प्लस ठीक है, समझ पा रहे हैं सब कुछ। अब जो अगला क्वेश्चन है देखिए साइन 2x को साइन 2x का अलग करना है आपको, ऐसे लिख लेना इसको साइन 2x dx अलग कर लेना और माइनस आगे 4e टू द पावर 3x तो 4 कांस्टेंट हुआ और e टू द पावर 3x dx। अब आपको क्या करना है आपको देखो यहाँ पर 2x को t मानना है यहाँ पर 3x को t मानना है, तो आपको करोगे क्या लेट 2x इक्वल टू टी ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा dx इक्वल टू dt बाई 2। अब इसको भी t नहीं कुछ और मान लोगे 3x इक्वल टू t डैश मान लोगे, ऐसा सिंबल बदल दोगे केवल जब दो जगह आपको जूम करना पड़े, यहाँ पर आ जाएगा
थ्री डी एक्स इक्वल टू डी टी डैश, मतलब सिंबल बदल देना, चाहे टी डैश ले लेना, टी डबल डैश ले लेना, चाहे एस ले लेना, कि माना टू एक्स इक्वल टू एस, टू एक्स इक्वल टू के, ठीक है, लेकिन टी टी डैश, टी डबल डैश, टी डबल डैश ऐसे ही मानते जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन आज करिए, आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से हो सकता है।